हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमबीबीएससी विद केके। आज है 11 अगस्त 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में कितने महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और भी बहुत कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आप लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में कितने महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर एक है 5000, 1000, 1900 या फिर 4000। इसका राइट आंसर है आपका 5000। जी हाँ, मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र लगभग 5000 एस्टेब्लिश किए जाएंगे और यह सबसे अधिक है। चलिए देखते हैं इसी से संबंधित हमारा एक और क्वेश्चन। पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य क्या है। जैसा कि हमने देखा लगभग 5000 केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो इनको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस। तो आपका पहला ऑप्शन है इनके माध्यम से सरकार की जरूरी सेवाएं जनता तक सुलभ होंगी। ऑप्शन नंबर दो, पंचायतें डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ेंगी। दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका दोनों। जी हाँ, इसका उद्देश्य है इन जो सेवा केंद्र होंगे, जो महात्मा गांधी सेवा केंद्र होंगे, इनके माध्यम से जो भी सरकार की विभिन्न प्रकार की जरूरी सेवाएं हैं वह सब ग्रास रूट लेवल पर जनता को प्रोवाइड की जाएंगी, पंचायत स्तर पर प्रोवाइड की जाएंगी। इसीलिए मध्य प्रदेश में लगभग 5000 महात्मा गांधी जो ग्राम सेवा केंद्र है वह एस्टैब्लिश किए जाएंगे। साथ ही साथ पंचायतों का डिजिटलाइजेशन, जी हाँ, इससे क्या होगा, जो भी डिजिटल लेन देन है साथ ही साथ डिजिटल जो योजना है उनका फायदा उठाया जाएगा ग्राम पंचायतों के माध्यम से। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज, क्या इसका उद्देश्य है, क्या इसका इंपैक्ट होगा। देखते हैं, प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को शामिल करते हुए प्रथम चरण में, यानी कि यह आगामी कुछ वर्षों में प्रदेश की सारी पंचायतों को कवर करेगी यह स्कीम। लगभग 5000 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जन सुविधा केंद्र से सभी शासकीय एवं अन्य सेवाएं उचित दर पर आम आदमी को उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे ग्राम पंचायत स्तर पर सभी शासकीय अन्य कार्यों में पारदर्शिता, सक्षमता और विश्वसनीयता में वृद्धि होगी एवं ग्राम पंचायतें डिजिटलाइजेशन की ओर अग्रसर होंगी। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश में होगा आदर्श क्रियान्वयन, यह किसके द्वारा कहा गया। जैसा कि सभी को मालूम है देश में लगभग 3 दशक के बाद, जी हाँ 3 दशक के बाद शिक्षा नीति में अमूलचूल परिवर्तन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा, और उसी का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश की तरफ से यह कहा गया है कि नई शिक्षा नीति पर मध्य प्रदेश में होगा आदर्श क्रियान्वयन। तो जी हाँ, यह किसके द्वारा कहा गया है कथन, आपका ऑप्शन नंबर एक है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मानव संसाधन मंत्री मध्य प्रदेश इमरती देवी, गोपाल भार्गव पीडब्ल्यूडी मंत्री, और ऑप्शन नंबर 4 नरोत्तम मिश्रा गृह जेल एवं विधि मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री भी यही है मध्य प्रदेश के। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति का मध्य प्रदेश में होगा आदर्श क्रियान्वयन, यह कहा है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने। और यह कब कहा है, यह कहा है उन्होंने वेबिनार के दौरान, जी हाँ, जब वह वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे तब उन्होंने यह कहा, और इनके साथ में थे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री निशंक जी भी, जिन्होंने यह शिक्षा नीति तैयार की है। चलिए देखते हैं क्या है, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह मध्य प्रदेश ने बीते वर्षों में बिजली, पानी और कृषि के क्षेत्र में विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी तरह अब स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने के प्रयास होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देश सर में भारत की नई शिक्षा नीति तीन प्रमुख उद्देश्य क्या है इसके, देखिए आप, ज्ञान, कौशल और संस्कार को प्राप्त करने की सोच से तैयार की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में 600 करोड़ की लागत से सिंगापुर के सहयोग से ग्लोबल स्किल पार्क के विकास की योजना है, इसके क्रियान्वयन की गति बढ़ाई जाएगी। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए जो ग्लोबल स्किल पार्क है वह भोपाल में है तथा सिंगापुर की मदद से यह बनाया जा रहा है। इसकी लगभग लागत क्या है, 600 करोड़। यहां पर हमने डिस्कस किया स्कूली शिक्षा से संबंधित कुछ फैक्ट, तो हमारा उद्देश्य केवल यह नहीं कि हम आपको केवल करंट बताते हैं, उसके आसपास विगत माह में जो कार्य हुए हैं हम वह भी यहां पर डिस्कस करेंगे। शिक्षा सबसे प्रमुख कार्य है कि मेरा
घर मेरा विद्यालय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने की योजना यह शुरू की गई है। इसके अंतर्गत बच्चों को घर पर ही मेरा घर तथा मेरा विद्यालय जैसा माहौल दिया जाएगा, साथ ही साथ ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएंगी। जो छोटे बच्चे हैं, जो लगभग पहली से लेकर एट्थ तक के बच्चे जो माने जाते हैं और फिफ्थ तक के बच्चे, उनके लिए रेडियो के माध्यम से यह प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 करोड़ रुपए का सैद्धांतिक स्वीकृत पत्र सौंपा किसके द्वारा गया? जी हाँ, 100 करोड़ रुपए का सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र सौंपा गया है। यह किसके द्वारा सौंपा गया है? आपका ऑप्शन नंबर एक है कृषि मंत्री पटेल ने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने, या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसका राइट आंसर है आपका कृषि मंत्री श्री पटेल ने 100 करोड़ रुपए का जो स्वीकृति पत्र है वह प्रोवाइड किया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, जी हां, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि मंत्री कौन है? कमल पटेल। आप इसके साथ साथ जो आसपास के फैक्ट होते हैं उनको भी रिवाइज करते जाइए, जिससे जिस तरीके से मैं आपको बार बार मंत्री रिवाइज कराता हूं, जो भी मंत्री का नाम हमारे सामने आता है मैं उनके मंत्रालय आपको बताता हूं, क्योंकि बार बार जब आप इस चीज को रिवाइज करेंगे इट विल बी फिक्स इन योर माइंड। जी हाँ, क्योंकि एक बार देखने से, या जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं एज इट इज क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएंगे किसी भी एग्जाम में, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं उसके आसपास से घुमाते हुए, तो हमें हर चीज की ओर फोकस रखना है। वही प्रयास मैं करता हूं और उसी माइंड सेट से आप लोग करंट अफेयर्स को देखिए और शेयर जरूर करिए, क्योंकि व्यूअर्स काफी कम आ रहे हैं। प्लीज अगर आप चाहते हैं कि हम इसे कंटिन्यू रखें तो प्लीज अधिक से अधिक मात्रा में देखिए और शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, कल के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी वाजपेयी जी को बना दिया गया है मध्य प्रदेश का राज्यपाल। इसमें एक एरर हो गया था, कई सारे मीडिया ग्रुप्स की तरफ से यह न्यूज आ गई थी, बाद में इस न्यूज का उन्होंने स्वयं ही खंडन किया है, परंतु उसके पहले हमारा करंट अफेयर्स अपलोड हो चुका था तथा हमें काफी समय बाद यह न्यूज पता चली, तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। केवल वही न्यूज सही नहीं थी, उसके अलावा जो भी पूरा पार्ट हमारा करंट अफेयर्स का था वह सब एज इट इज राइट है, और आने वाले समय में जो भी अन्य राज्यपाल बनेगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगा, और जो भी बनेगा वह 30वें नंबर का राज्यपाल बनेगा। जी हाँ, आनंदीबेन पटेल 29वें नंबर की अभी राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। चलिए तो यहां पर देखते हैं क्या है न्यूज। श्री कमल पटेल जो कृषि कल्याण मंत्री है, नबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में नबार्ड की ओर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के एमडी श्री प्रदीप निखरा को 100 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र सौंपा। इन्होंने उन्होंने बताया कि इस राशि से 351 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को बहुउद्देशीय समितियों में परिवर्तित किया जाएगा। तो यह नबार्ड की तरफ से यह कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत यह सब किया गया। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पहले भी मैंने डिस्कस किया था, जब यह जो रेयर प्रजाति के है, रेयर स्पीसीज के यह भालू है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसे जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी इस न्यूज को कवर किया, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस तरीके के क्वेश्चन मध्य प्रदेश के विभिन्न प्रकार के एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में कहां से लाए गए संरक्षित प्रजाति के भालू का इलाज कर भेजा गया? आपका ऑप्शन है सिवनी, रतलाम, मुरैना या फिर सीहोर। इसका राइट आंसर है आपका सिवनी। जी हाँ, यह सिवनी से संरक्षित जो एक प्रजाति है उसका भालू था, और यह घायल हो गया था, और उसे घायल अवस्था में यहाँ पर भोपाल वन विहार में लाया गया था, इसका ट्रीटमेंट कर उसे सकुशल वापस भेजा गया है। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। देखिए यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है कर्मचारियों द्वारा, और यह डॉक्टरों द्वारा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर दिया गया है। देखते हैं सिवनी से लाया गया भालू स्वस्थ होकर लौटा भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। गत 20 जुलाई को सिवनी जिले के ग्राम मुडारा के रजौला बीट से रेस्क्यू कर लाया गया भालू उपचार के बाद स्वस्थ हो गया है। डॉक्टर अतुल गुप्ता की देखरेख में वन विहार के स्टाफ ने भालू को स्वस्थ की लगातार निगरानी की है। तो यह सब इन्फॉर्मेशन थी। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन पर। जैसा कि सभी को मालूम है, जो लोग इस लेक्चर को पढ़े देखते हैं, हम डेली बेसिस पर क्वेश्चन पूछते हैं और काफी कम लोग क्वेश्चन का आंसर देते हैं। मैं अगेन एंड अगेन आप लोगों से कहूंगा, प्लीज प्लीज यू शुड गिव आंसर, इट विल मोर देन मोर बेनिफिशियल फॉर यू। तो रही बात ये, आप मेरा काम है क्वेश्चन देना, आंसर देना ना देना आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा आज का क्वेश्चन है, भैरवगढ़ शिल्प के नाम से कहाँ की शिल्प को जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्लीज अगेन कहूंगा इसका आंसर दीजिए। भैरवगढ़ शिल्प के नाम से किस जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, उस शिल्प को यह नाम दिया जाता है। चलिए आते हैं हमारा, जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं, मध्य प्रदेश का कुछ स्टेटिक जीएस, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह। तो हमारा पहला समारोह है तानसेन समारोह। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है यह तानसेन समारोह। मध्य प्रदेश के थे ये तानसेन जी, इनका नाम भी रामतनु पांडे था, और यह ग्वालियर के
में इनकी समाधि बनी हुई है और ये रीवा नरेश के यहाँ पहले ये गाया करते थे, इसके बाद यह अकबर के यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके खास बने हैं और खास इनका काफ़ी नाम है और उन्हीं के नाम पर यह समारोह किया जाता है। प्रतिवर्ष यह समारोह किया जाता है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा यह किया जाता है और यह 1980 से किया जा रहा है। हमारा नेक्स्ट है मध्य प्रदेश समारोह, काफ़ी इंपॉर्टेंट समारोह और यह एकमात्र ऐसा समारोह है जो मध्य प्रदेश के बाहर होता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश समारोह होता है दिल्ली में और 1982 से यह शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा ही किया जाता है परंतु यह दिल्ली में किया जाता है और मध्य प्रदेश भवन जो दिल्ली में है वहां पर यह किया जाता है। आपका थर्ड है कालिदास समारोह, यह उज्जैन में किया जाता है और कालिदास जी जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है काफी इंपॉर्टेंट, यह प्राचीन काल के नाटककार तथा कवि हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा चौथा है खजुराहो समारोह, 1976 में यह किया जाता है, खजुराहो में यह किया जाता है और चंदेश वंश, जैसा कि सभी को मालूम है खजुराहो की काफ़ी अच्छी कलाकृतियां हैं और चंदेश वंश द्वारा निर्माण की गई थी 950 से लेकर 1050 के काल में यह निर्मित की गई थी और इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। कब किया गया था आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बताइए, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, आप तब तो आपको याद हो ही गया होगा। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।